हेलो दोस्तों, जैसे आपको करण ने बता चुका है कि हमने नया कैमरा लिया है और मैं बहुत खुश हूँ कि फाइनली मेरी पिक्चर्स जो है HD में आने वाली है। मैं स्टिल कंफ्यूज हूँ कि देखना कहाँ पर। तो आशु, कैसा लग रहा है तुझे नया कैमरा देख के? कैमरे का क्वालिटी बहुत अच्छा है। अब तुझे लगेगा हमारे ब्लॉग अच्छे हो जाएंगे? सिनेमैटिक लग रहा है। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और जैसे कि हमने आपको लास्ट व्लॉग में बताया था कि इस व्लॉग में हम हमारे जो व्लॉगिंग का पूरा सेटअप है उसमें एक चीज ऐड करने वाले हैं जिससे हमारा व्लॉगिंग का लेवल यहां से यहां तक चला जाएगा। और फाइनली वो चीज आ गई है, एंड दैट इज आवर न्यू व्लॉगिंग कैमरा कैनन G7X Mark II। So, सबसे पहले करते हैं इसे अनबॉक्सिंग। तो आप जाइए अनबॉक्सिंग का वीडियो देख के जो मैंने शूट किया था, फिर आके उससे इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। अनबॉक्सिंग देख लिया। नाउ लेट मी टेल यू कि मैंने ये स्पेसिफिकली यही कैमरा क्यों सिलेक्ट किया अपने व्लॉगिंग के लिए। सो देयर आर टू रीजंस फॉर दैट। सो रीजन नंबर वन कि ये जो कैमरा है, इसकी साइज एज यू कैन सी बहुत ही कॉम्पैक्ट है और ये मेरे पॉकेट में आराम से आ जाता है। सो रीजन यही था कि कॉम्पैक्ट कैमरा मुझे लेना था। मेरे पास ऑलरेडी GoPro है और iPhone है, और एक छोटा सा और कैमरा लेना था जो पावरफुल हो बट एट द सेम टाइम इसकी जो फुटप्रिंट है वो बहुत ही स्मॉल है। रीजन नंबर टू मेरा ये कैमरा लेने का यही है कि यही एक ही कैमरा था जो मेरे बजट में भी आ रहा था। इसके ऊपर का भी एक मॉडल है G7X Mark III, बट वो मेरे बजट से काफी ऊपर जा रहा था। यही एक कैमरा जो मेरे बजट में आ रहा है और काफी सारे व्लॉगर्स मैंने देखे हैं स्टिल इन 2021 ये कैमरे से व्लॉग करते हैं, और इसकी क्वालिटी मैं आपको आगे दिखाऊंगा बहुत ही अमेजिंग है। आपने लास्ट 2-3 व्लॉग्स मेरे देखे होंगे जब मैं और अंजलि वहां पे बेड पे बैठे थे सोफा पे, बहुत कम लाइट थी तो पिक्सेलेटेड आते थे, बहुत ही ग्रेनी वीडियो आता था। आई जस्ट टेस्टेड दिस कैमरा ऑन दैट प्लेस विद सेम लाइटिंग और इसका जो रिजल्ट है वो बहुत ही अमेजिंग है। सो विदाउट फर्दर डू लेट्स टेस्ट दिस कैमरा आउट। ओके, सो कैमरा का सैंपल चेक करने से पहले मैं आपको एक बात बताना भूल गया, लेट मी टेल यू कौन कौन सी चीजें हैं जो कैमरा के साथ में आई है। सबसे पहली ऑब्वियसली बैटरी, ये कुछ 1250 mAh की बैटरी है जो इसके साथ आई है। एक बैटरी आई है तो आई गेस मुझे एक और लेनी पड़ेगी। उसके साथ यहाँ पे आया है 16 GB का सैंडिस्क का मेमोरी कार्ड। मुझे एक्सपेक्ट नहीं था, अमेजोन पे भी कहीं लिखा नहीं था कि कार्ड आएगा, बट आई गॉट दिस एंड आई एम रियली हैप्पी कि मुझे मिल गया, अदरवाइज मुझे और खर्चा करना पड़ता। उसके साथ साथ ये है बैटरी का चार्जर, और लास्ट में एक केस मिला है, कैरी केस है, बहुत ही अच्छा है। और ये एक चीज़ मिली है जिससे आप आराम से अपने कैमरे को कैरी कर सकते हैं। तो इतनी चीज़ें हैं जो मुझे बॉक्स में मिली है। चलो अब जो आप नेक्स्ट वीडियो देखोगे वो इसी कैमरे से होगा। सो 3, 2, 1। सो हेलो गाइस, ये आप जो फुटेज देख रहे हो वो कैनन G7X Mark II से आ रही है। अभी जो लाइट है वो दोनों सेम है, तो आई थिंक आपको डिफरेंस पता नहीं चलेगा, पर जैसे हम वो कमरे में जाएंगे या फिर किचन में जाएंगे जहाँ पे जो आईफोन है उसका कैमरा है वो ग्रेनी हो जाता है वीडियो फुटेज, तब आपको रियल में इसका डिफरेंस पता चलेगा। हेलो दोस्तों, जैसे आपको करण ने बता चुका है कि हमने नया कैमरा लिया है और मैं बहुत खुश हूँ कि फाइनली मेरी पिक्चर्स जो है HD में आने वाली है। मैं स्टिल कंफ्यूज हूँ कि देखना कहाँ पर है, इस जगह पे देखूँ कि ऊपर देखूँ, अदरवाइज वो थोड़ा अंधा लगता है अगर तुम कहीं और देख रहे होते हो तो। ठीक है, मैंने बकवास कर लिया गेस मुझे लग रहा है, अब करण वो काट देगा, खैर कोई नहीं। तो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि करण का डेली रूटीन जो चल रहा है वो क्या चल रहा है। तो वो चाय बना रहा है और हम नए कैमरे में देखेंगे कि कैसा लगता है वो चाय बनाते हुए, हमारा चाय वाला भैया। तो हम चलते हैं अंधेरा पार करते हुए। तो मैं कितनी गोरी आ गई। हेलो गाइस, स्वागत है आपका ब्राइट गोरे व्लॉग में। काफी बहुत ही ऊपर व्यू फाइंडर में देख रहा हूँ आईफोन की कंपेयर में, चुम्बेश्वरी का मैं, बहुत ही अमेजिंग फुटेज मिल रही है अभी यहाँ पे, जो
मेरा जो व्हाइट है ना पूरा, अब मैं पूरा गोरा लग रहा हूँ। बट मेरी हाथ में दर्द हो रहा है। हाँ तो वो तो करना पड़ेगा, पकड़ ले। क्योंकि ये कैमरे से व्लॉग करने की इसकी आदत है नहीं, इसीलिए थोड़ा तो वजन उठाना पड़ेगा, इतना तो करना पड़ता है तुम लोगों को। बट लुक एट दिस, सबसे बुरा जो यही एंगल था, यहाँ से जब शूट करते थे तब सबसे बुरी लाइटिंग आती थी, ब्लैक आता था काफी ना इस पोर्शन से आईफोन में। और एक और चीज है, मैं जो आपको बोल रहा था कि यहाँ पे लाइट एडजस्ट होगी, पर्टिकुलरली ये जो सेक्शन है यहाँ पे बहुत ही खराब लाइट आती थी आईफोन की, बट एज यू कैन सी बहुत ही अमेजिंग लाइट आ रही है। So, अभी नए कैमरे की खुशी में एक पार्टी हो रही है छोटी सी, एज यू कैन सी। नहीं, हम तो वैसे मौका ढूंढते हैं पार्टी करने का। हाँ मतलब वही, अभी मौका मिल गया पार्टी करने का तो ये सब खाते हैं, फिर जाते हैं कैलोरीज वापस बर्न करने ऊपर टेरेस पे, तब आपको मिलते हैं और थोड़े से और शॉट्स दिखाते हैं इस कैमरे के। लगता है साला नया कैमरा हम टेस्ट ही नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जैसे हम लोग ऊपर आए यहाँ पे टेरेस पे टेस्ट करने के लिए और बारिश स्टार्ट हो गई, तो अभी यहाँ शेड के नीचे खड़े हैं, वेट करें। अगर बारिश कम हो गई, बारिश बंद हो गई तो बाहर जाएंगे, थोड़ा सा सिनेमैटिक शूट लेंगे कैमरा का और थोड़ा सा हमको दिखाएंगे कि क्या कैपेबिलिटीज़ है इस कैमरा की। लेट्स होप एंड वेट कि बारिश है वो थोड़ी कम हो जाए। और अंजलि यहाँ पे एक्सरसाइज करते हुए, वो नहीं छोड़ेगी अपनी एक्सरसाइज, देखना चलते चलते नीचे ना निकल जाना। ओके सो लेट्स ट्राई दिस जूम इफेक्ट, देखते हैं कितना जूम होता है ये। ओके सेवनटीन एक्स जूम हो रहा है और होटल स्लीप इन यहाँ पे क्लियर दिख रहा है, बहुत ही भयानक जूम है इसका और स्टेबिलिटी इतनी अच्छी नहीं है, बट जूम बहुत अच्छा है। दिस इज हाउ फार इट कैन जूम। 1 hour later. तो आशु कैसा लग रहा है तुझे नया कैमरा देख के? कैमरे का क्वालिटी बहुत अच्छा है। अब तुझे लगेगा हमारे व्लॉग अच्छे हो जाएंगे? सिनेमैटिक लग रहा है। अभी हमने जो नाइट्स के जो शॉट्स है वो भी डाले यहाँ पे, जो रास्ते में हमारा काम शुरू है और वहाँ पे रेड और ग्रीन कलर के अलग अलग लाइट है, पूरा शॉट डाला है। ऐसा लग रहा है म्यूजिक वीडियो शूट कर रहे हैं, ऐसा फीलिंग आ रहा है। बहुत ही अमेजिंग सिनेमैटिक टाइप आ रहा है, तो वो जरूर देखिएगा। अभी थोड़ा सा फोटो शूट करते हैं अंजलि का, और अगर आपने अभी तक फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पे फॉलो किया, वहाँ पे जो फोटोज हमने इस कैमरे से क्लिक किए वो सारे फोटोज इंस्टाग्राम पे आपको मिल जाए। सो डू फॉलो फॉर इंस्टाग्राम। सही में बहुत अच्छा क्वालिटी है, वर्थ इन्वेस्टमेंट है। अभी तक 1.5 साल में जितना भी हमने इन्वेस्ट किया, GoPro से भी बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट है। मजा आएगा। GoPro is not for vlogging. GoPro अच्छा नहीं, GoPro is for vlogging, but वो डे लाइट में, ये नाइट में बहुत अच्छा कैमरा है ना, वो कुछ फास्ट मूविंग नहीं होता ज्यादा। क्या बकवास चल रही है? बस ऐसे ही बता रहे थे हम लोग की क्या चल रहा है। और अंजलि आज थोड़ी सी तैयार होके आई है बाहर, कल नाइट ड्रेस पहन के शंभूज आई थी, आज थोड़ा सा कसर पूरी कर, इधर आई इधर लाइट आ रही है। चलो अब तेरा फोटो शूट कर ले, ठीक है? तो अंजलि का और फोटो शूट आपको इंस्टाग्राम पे। मम्मी का चले जा रही है? मम्मी का कहां जा रही है? ठीक है, मम्मी को थोड़ा पकड़ के आते, पता नहीं गुम हो गई। वो चले ही जा रही है पता नहीं कहां, पान के गले सिगरेट घूमने जा रही है लग रहा है। सो वापस गाइस, कल की तरह यहाँ शंभू आए थे, पर आज हमारे पास कोई अलग सा कैमरा था। नाइट मोड हमने टेस्ट कर लिया है, बहुत ही अच्छा है, परफॉर्मेंस बहुत ही तगड़ा है आईफोन के कंपेयर में। तो अभी का जो ब्लॉग है वो यहीं पे एंड करते हैं और आपको मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपने यहाँ तक ब्लॉग देखा है देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन, नए हो सब्सक्राइब करें, ऑल्सो हिट द नोटिफिकेशन बेल आइकन ताकि जो नेक्स्ट ब्लॉग लाए उसकी सबसे पहले अपडेट मिले। और आई प्रॉमिस यू आज के बाद के जितने भी सभी ब्लॉग्स हैं इस कैमरे से आएंगे बहुत ही धस आएंगे। सो सब्सक्राइब करके रखिए, विल सी यू गाइस इन आवर नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।